तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल्युलोज। सेल्युलोज क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यह भी एक जटिल कार्बोज है जो कि अघुलनशील व अपचय होता है। ये पौधों को आकार व रूप प्रदान करता है। इसका पेड़ पौधों के लिए वही महत्व है जो मानव शरीर में हड्डियों का होता है। सेल्युलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इनमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखलाओं में आकर जुड़ते हैं और सेल्युलोज का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में सेल्युलोज का काफ़ी महत्व है। हालांकि मनुष्य के शरीर में सेल्युलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि इन पर पाचक रस एमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव शरीर में पाचन अंगों में सेल्युलोज को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं होते। अन्य शाकाहारी जंतु जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, खरगोश व ऊँट इत्यादि में सेल्युलोज का पाचन करने वाले एंजाइम्स रहते हैं, जो इनका पाचन ग्लूकोज में कर देते हैं। मानव के लिए सेल्युलोज का कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी भोजन में इसकी उपस्थिति लाभदायक है, क्योंकि यह भोजन को भार प्रदान करता है। ये आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने तथा इनके संकुचन एवं प्रसारण गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसमें प्राय रेशे होते हैं, इसलिए उसे रफेस कहते हैं। यह अमाशय व आंत की मांसपेशियों के संकुचन की गति की तीव्रता प्रदान करता है, जिसमें भोजन पचकर आसानी से बाहर निकल जाता है और कब्ज की संभावना नहीं रहती है। रफेस जल की मात्रा को अवशोषित करता है और मल के परिमाण वॉल्यूम को बढ़ाता है। इसके कारण मलाशय में मल आसानी से बाहर निकल जाता है। ये कब्ज को दूर करता है। कब्ज से पीड़ित रोगियों के लिए रफेस युक्त भोजन दवा की तरह काम करती है। एक व्यक्ति के दैनिक आहार में 8 से 15 ग्राम तक रफेस होनी चाहिए। आजकल बाजार में सेल्युलोज का बना हुआ रासायनिक उत्पाद केमिकल प्रोडक्ट भी मिलने लगे हैं। इसे मिथाइल सेल्युलोज के नाम से जाना जाता है। ये आहार मोटापे के रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी एवं फ़ायदेमंद है। इसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्युलोज। सेल्युलोज की संरचना। स्टार्च की तरह सेल्युलोज कम से कम 500 ग्लूकोज अणुओं की एक लंबी श्रृंखला से बना है। इस प्रकार सेल्युलोज एक पॉलीसेक्राइड के शर्करा के लिए लैटिन है। इनमें से कई पॉलीसेक्राइड श्रृंखलाओं को सेल्युलोज माइक्रोफेबल बनाने के लिए समांतर सारणियों में व्यवस्थित किया जाता है। व्यक्तिगत पॉलीसेक्राइड श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा माइक्रोफेबल में एक साथ बंधी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण सेल्युलोज के माइक्रोफेबल बेहद सख्त और अनामी होते हैं। वास्तव में जब सेल्युलोज माइक्रोफेबल की संरचना का वर्णन करते हैं तो केमिस्ट उनकी व्यवस्था को क्रिस्टलीय कहते हैं, जिसका अर्थ है माइक्रोफेबल में क्रिस्टल जैसे गुण होते हैं। हालांकि स्टार्च में सेल्युलोज के समान मूल संरचना होती है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज सब यूनिट्स इस तरह से बंधे होते हैं कि स्टार्च अणु को मोड़ने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में स्टार्च अणु लचीला होता है, जबकि सेल्युलोज अणु कठोर होता है। ये इन्होंने डायग्राम की तरह बताया है। जैसे ये है प्लांट सेल, लेयर्ड मैश हुई है, और ये माइक्रोफेबल का स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल ये सेल्युलोज के रूप में ये सामने आते हैं, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलकर ये श्रृंखला बनाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से माइक्रोफेबल का ये स्ट्रक्चर है, जिसकी संरचना जो है वो क्रिस्टल ही सेल्युलोज की तरह है, और ये एक साथ 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और 1/6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्युलोज। अब केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये पौधों में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड है जो पौधों में डी ग्लूकोज से संश्लेषित होता है तथा सभी पौधों की कोशिका भित्ति रेशेदार भाग में 45 से 50% तक पाया जाता है। ये कपास में करीब 97 से 99% तथा लकड़ी में 41 से 53% सेल्युलोज पाया जाता है। जल अपघटन करने पर यह डी ग्लूकोज देता है, परंतु इसमें ग्लूकोज यूनिट बीटा 1/4 ग्लूकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। ये उच्च अणुभार वाला पदार्थ है। इनकी श्रृंखला बहुत दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है।
अतः इनका जल अपघटन करने के लिए सांद्र अम्लों की आवश्यकता होती है। यदि सेल्युलोज का निकटीकरण किया जाए तो इसे नाइट्रोसेल्युलोज प्राप्त होता है। अब इसको ग्लूकोज यूनिट को बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि सिंपल ग्लूकोज यूनिट है, ये एक सिंपल ग्लूकोज यूनिट दे रखा है, जिसे बीटा डी ग्लूकोज अल्फा वाले में हम बॉन्ड जो बनाते हैं, हम बिल्कुल सिंपली इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। और जो ये बीटा वाला बॉन्ड होता है, जैसे ही आप देख सकते हो एन की शेप में दे रखा है, ये बीटा बॉन्ड होता है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज आपस में 1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जो ये इस तरह से श्रृंखला बनाते जाते हैं और शाखाएं और श्रृंखलाएं बनाते हैं। इसमें भी कई शाखाएं और कई श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। सोर्स ऑफ सेल्युलोज। अब सेल्युलोज का सोर्स क्या क्या है? आटे की चोकर, साबुत अनाज, दाल के छिलके, फलों के छिलके, मूली, गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, शलजम, प्याज, खीरा, ककड़ी, अन्य सब्जियों में सेल्युलोज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। अंजीर में भी ये काफ़ी मात्रा में होता है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेल्युलोज दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एग्रीकल्चर वेस्ट, दूसरा है प्लांट सोर्स। एग्रीकल्चर वेस्ट में शुगर कैन, बेगिस एंड राइस हस्क, और इधर है वुड एंड बैम्बू। तो ये दो तरह से दिखाए गए हैं सोर्स ऑफ सेल्युलोज, एग्रीकल्चर वेस्ट शुगर कैन, बेगिस और राइस हस्क, और इधर प्लांट में दिखाया है वुड एंड बैम्बू। इनसे हमें सेल्युलोज प्राप्त होता है। COVID-19 से सेफ रहें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और स्टे होम, सेव लाइव्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू।